ये आप 2.5 साल के बच्चे की तस्वीरें देख रहे हैं। ये 2.5 साल का दिशांत है जिसकी दर्दनाक मौत हुई है। एक दर्दनाक हादसे में इस बच्चे की मौत हुई है। ये बच्चा और कहीं का नहीं बल्कि हरियाणा के करनाल का है। दरअसल ये पूरा मामला बताया जा रहा है हरियाणा के करनाल में कल शाम, जब आपको मालूम होगा कि कल बहुत तेज बारिश आई थी। हालांकि कुछ ही देर के लिए बारिश आई थी, लेकिन एक गरीब परिवार बताया जा रहा है जिनकी टीन की कोई शेड होती है, छत होती है, जिसमें से पानी टपक रहा होता है और इस बच्चे के पिता ने घर के अंदर एक बाल्टी रख दी जिसके अंदर वो टप टप करता हुआ पानी उसमें भर जाए, वो पानी कहीं और ना जाए, उस बाल्टी में आ जाए। और बताया जा रहा है जो 2.5 साल का बच्चा जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे, इस बच्चे का नाम दिशांत है, उस बच्चे का ना जाने कोई खिलौना उस पानी में चला जाता है या फिर क्या हो जाता है, लेकिन उस बच्चे यानी कि उस बच्चे के फेफड़े के अंदर पानी चले जाते हैं, वो बाल्टी के अंदर उलट जाता है, पलट जाता है और उसके बाद उसके अंदर पानी चला जाता है, जिसके बाद उसको कल करनाल के ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और आज उसकी मौत हो जाती है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अपने आप में एक दर्दनाक हादसा जरूर रहा। बच्चे के पिता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बच्चे के पिता से बात करूंगी। क्या नाम है आपका? मोनू जी। मोनू, कहाँ से आप? नसीपुरम कॉलोनी जी, मेहता फार्म की बैक साइड में। कैसे हुआ ये पूरा हादसा? ये बारिश हुई थी जी, बाल्टी लगा दी वहाँ, ऊपर से पानी गिर रहा था, अभी पानी भर जाएगा। तो टीन वगैरह की शेड थी? नहीं, छत है जी, वो पाइप नहीं लगा रखा ना, तो पानी बरामदे में गिरता है, तो बच्चे का फिसलने का डर रहता है, खेल रहा था बाहर, तो इस करके वो बाल्टी लगा दी ताकि पानी ज़्यादा नहीं खिंडेगा, तो बाद में बाहर नाली में खिंडा देंगे पानी। मैं थोड़ा सा अंदर चला गया, इसकी मम्मी नीचे बर्तन धोने चली गई जी, बस वो इतनी देर में बाल्टी में पता नहीं क्या कर रहा था, क्या नहीं, छोटा खिलौना ले रहा था। छत पे था जी, मैं अंदर कमरे में था, छत पे ही। कितनी बड़ी बाल्टी थी? बाल्टी ये डस्टबिन होते हैं जी, जो अपने वो बाल्टी, बाल्टी थी। उसमें अपने पानी भर रहा था, तो आधी बाल्टी पानी की होगी, उसमें खिलौना खिलौना उसका कुछ गिर गया, वो उसको उठाने के चक्कर में वो बाल्टी में गिर गया, बच्चा उसमें उलट गया, उसमें सर के बल पानी में गिर गया। उसमें मैं जब तक अंदर से आया, मैंने ध्यान पड़ा तो मैंने एकदम उसको उठाया, उठा के फिर सीधा अस्पताल लेके भागे उसको। अस्पताल में आए तो डॉक्टरों ने कहा था अभी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन आज दम तोड़ दी उसने। किस समय की बात है ये? कल जब बारिश हुई रुकी है, उसके कोई 15-20 मिनट बाद की बात है जब मैंने उसको देखा। कब हुई ये? सुबेरे 9 बजे के बाद ही, 9 बजे तक तो मेरे डैडी गए थे, देखा था ठीक था, उसके बाद ही हुआ। क्या काम करते हैं आप? मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो बच्चे की उम्र क्या थी? 2.5 साल का था जी। और नाम क्या है बच्चे का? दिशांत है जी। दिशांत, हाँ जी, दिशांत बच्चे का नाम है। 2.5 साल उम्र है और आप देख सकते हैं इस वक्त अपना आशियाना टीम से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राजकुमार जी, अंशु ग्रोवर भी हैं जिन्होंने हाथ में बच्चे को उठाया हुआ है जिसकी इस पूरे दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। अपने आप में बच्चों का इसी वजह से कहा जाता है कि खास तौर पर ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के आसपास कोई ज़रूर उनकी निगरानी के लिए होना चाहिए, चाहे उनके माता हों, पिता हों, घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, चाहे दादा दादी हों, उनके पास बच्चों को ज़रूर छोड़ना चाहिए ताकि बच्चे कभी भी किसी भी हादसे के शिकार ना हो जाए। सबसे पहले राजकुमार जी, उनसे मैं बात करूँगी। सर, क्या आपको जानकारी मिली थी जिसके बाद करनाल के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे और अब बच्चे को यहां से ले जाए जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा हादसा है और हमारे को एक ये हर हादसा जो होता है कोई ना कोई शिक्षा भी दे के जाता है। हमारे साथ चरणजीत जी हैं, रामनगर शमशान घाट से शिव कुमार जी हैं, और ये बच्चे भी, मोनू भैया भी है, और उसके दादा जो उस पापा हैं वो हमारे साथ रामनगर शमशान घाट के अंदर सेवा किया करते हैं। तो उनके साथ आज ये दर्दनाक हादसा हो गया। कल बारिश आई है और थोड़ी सी ही बरसात थी, उस बरसात में जैसे हमारे इनके घर थोड़े कच्चे होते हैं, छप्पर से पानी नीचे आ रहा था, नीचे बाल्टी रख दी भी वो भर जाएगा, चिक्कड़ ना हो और वो बाहर। हाँ, परिवार तो देखो जी, दिहाड़ी दार मजदूर हैं, लेकिन दुख जो है वो बहुत भारी है कि एक बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो गया। और आपके वीडियो के माध्यम से हम लोगों से एक ही अपील करते हैं कि जिन परिवारों के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया अपने बाथरूम के अंदर या छत के ऊपर या कहीं भी बनेरे पे हो, कोई भी बाल्टी वगैरह ना भर के रखें, नहीं तो कोई भी हादसा कैसे भी हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाए। आज हमारे मोनू भैया के साथ ऐसा हुआ है, वो जिनके बच्चा हंसता खेलता बच्चा संसार से चला गया, बचाने का भरपूर प्रयास किया इस बच्चे ने, अच्छे से अच्छे महंगे हॉस्पिटल में भी लेके गया, लेकिन डॉक्टरों ने फिर आज सुबह मृत घोषित कर दिया। कितने अब बच्चे हैं इनके? इनके 3 बच्चे हैं और बाकी 2 बच्चे रह गए हैं, बाकी अभी एक ही बच्चा है। दो बेटे, 3 बेटे हैं जी, 2 बेटे रह गए हैं, बाकी ये सबसे छोटा बेटा था जी।
बाकी परमात्मा से यही प्रार्थना, उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, ऐसे पहले भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं जिसमें बच्चे छतों पर खेलने के लिए चले जाते हैं, कपड़े सुखाने वाली जो तारे वहां पर होती हैं उनसे लिपट कर कई बार उनका गला दब जाता है, कई बार खुद भी वो किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर अंशुल ग्रोवर भी हैं जिन्होंने वो बच्चा भी पकड़ा हुआ था अंदर से वो लेकर आए। सर बड़ा ही दर्दनाक रहा, और जब आप इस तरीके से बच्चे को उठाकर लेकर आए तो अंदर से यानी कि रोना आ जाता है किसी के लिए भी? किस्मत वाले को मिलती है औलाद, लोग दर दर ठोकरे खाते हैं मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद के अंदर भी, कृपया मेरी गोद में बच्चा आ जाए, मगर बेटे तो किस्मत वालों को मिलते हैं। परमात्मा से और सभी करनाल वासियों से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अपने अंदर ही रखें, देखभाल करें, उनको पानी से दूर रखें। ये 2.5 साल का बच्चा एक टब के अंदर मौत के कारण मर गया, भी ऐसा किसी के साथ भी ना हो, छोटे बच्चे को खुद ही माँ बाप निलाएं, मेरी आप सभी से यही हाथ जोड़कर विनती है। तो खुद ही अपने यानी कि माँ बाप अपने बच्चों को ज़रूर नहलाएं। कई बार क्या होता है कि हम लोग बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला छोड़ देते हैं, अंदर टब पानी से भरा होता है, बच्चा कई बार खुद बाथरूम में भी चला जाता है और उस टब में भी चला जाता है, लेकिन अपने बच्चों का हाथ जोड़कर हमारी अपील है इवेंट 24 की कि अपने बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें ताकि हमें भी इस तरीके की कोई खबर ना करनी पड़े जिसके बाद हमें भी रोना पड़े। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24 में हूं महक शर्मा हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।